हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 9 अगस्त, ठीक है। 9 अगस्त है डेली बेस पे, यहां पे जो करंट अफेयर्स कवर कराया जाता है, नेशनल इंटरनेशनल, ठीक है। यहां से डेली बेस पे करंट अफेयर्स में मान के चलिए 12 से 15 तक के क्वेश्चन यहाँ से जो है पूछे जाते हैं आपके हर एग्जाम में, चाहे बड़ी बड़ी UPSC सिविल सर्विस एग्जाम हो, छोटी छोटी पीयून तक के एग्जाम में। कहने का मतलब यही है कि सभी एग्जाम में, चाहे SSC, रेलवे, कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे, उन सभी एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और इसके PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से जो है लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके रिवाइज कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। हाल ही में जो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है कब मनाया गया, ठीक है। हर साल इसको 7 अगस्त, ठीक है, इसकी शुरुआत जो है 1905 में किए गए थे, ठीक है, 1905 में, 1905 में राष्ट्रीय स्तर पर जो हथकरघा दिवस जो है मनाई जाते हैं 7 अगस्त जो है 1905 में। इसको फर्स्ट टाइम जो है जो स्वदेशी आंदोलन के तहत जो है जितने भी स्वदेशी उद्योग जो हमारे भारत में जो उद्योग है, ठीक है, तो विशेष रूप से जो हथकरघा जो बुनकरों को जो प्रोत्साहित करने के लिए इसको मनाया जाता है। इसके तहत यहाँ पर जो है जो खास करके जो लोकल जो बिजनेस जो हाथों से घरों में जो बिजनेस जो उद्योग लगाए होते, जो प्रोडक्ट जो है हाथों से जिसमें जो बुनकर वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको जो है प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है जी। इसीलिए इसको जो है उनको जो है आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इसको जो है मनाई जाती है, ठीक है। इसको बढ़ावा देने इस उद्योग को जो है जिसमें वस्त्र हो गए, यहाँ पे जो है कपड़ा हो गया, इसमें जो है शामिल होते हैं, ठीक है, इनको जो है स्वदेशी रूप से विदेश तक के जो इनके जो सामान को पहुँचाया जाए, इसी उद्देश्य से इसको जो है मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन सा जो कंपनी है शीर्ष स्थान पर रही है, तो वालमार्ट, ठीक है, सी ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वालमार्ट। सेकंड नंबर का आपका जो है अमेजन, रिलायंस इंडस्ट्री जो है मुकेश अंबानी के, ठीक है, इसके मालिक हैं। तो फॉर्च्यून ग्लोबल जो 500 जो है सूची में, जो 500 सूची में जो कौन सा कंपनी फर्स्ट स्थान, वालमार्ट, सेकंड अमेजन, 16वें नंबर में जो रिलायंस इंडस्ट्री है, ठीक है। तो वालमार्ट जो कंपनी है जो अमेरिकी कंपनी है, ठीक है जी, और इसमें जो खाने पीने के जो है प्रोडक्ट वगैरह यहाँ पर जो है स्टोर इसमें जो है मिलते हैं जी, खाने पीने के जो फूड वगैरह यहाँ पे जो सामान जो है मिलते हैं। इसी तरह ये जो है ऐसे ही कम जो फॉर्च्यून ग्लोबल जो सूची है जो है खास करके जब कौन से जो बिजनेस सबसे टॉप में है ऐसे करके यहाँ पे जो रैंक को निकाली जाती है, तो वालमार्ट ऐसी कंपनी है जो टॉप में है। सेकंड नंबर में अमेजान है, 16वें नंबर में जो भारत की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है जी, मुकेश अंबानी इसके मालिक हैं, बाकी सभी जानते होंगे। थर्ड क्वेश्चन, हाल ही भारत का पहला GI टैग अंजीर जूस कहाँ निर्यात किया गया है, पोलैंड में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पोलैंड देश, ठीक है। मतलब ऐसा प्रोडक्ट है GI टैग, एक जो भौगोलिक संकेत है जिसको देश विदेश में पूरा जो है नेशनल लेवल पे जो GI टैग प्रदान किया जाता है जी। तो ये जो अंजीर जो है GI टैग प्राप्त है, ठीक है जी। तो ये जो अंजीर का जो फर्स्ट टाइम जो जूस भारत जो कहाँ से जो है निर्यात किया जा रहा है, पोलैंड देश को जो है फर्स्ट टाइम ऐसा है कि भारत का पहला GI टैग वाला अंजीर का जूस जो है फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो है पोलैंड देश को जो है निर्यात किया जा रहा है, ठीक है। और आप सभी को पता अंजीर जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए भी जो है, आप फल वगैरह लेते हैं तब भी चाहे जूस पिए, अच्छी स्वास्थ्य के लिए मानी जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम है जो यूरोपीय बाज़ार में जो है भारतीय अंजीर का जो है निर्यात जो है करने वाली जो है पहली कंपनी जो है बन गई। साथ ही साथ हांगकांग वगैरह यहाँ पर जो है निर्यात किया जाएगा। पोलैंड को याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अहमदाबाद। याद रखिए, कमेंट करके बताइए कि जो अहमदाबाद जो शहर है कौन से शहर के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो भारत में सबसे किफ़ायती आवाज़ बाज़ार जो है मार्केट जो आवाज़ बाज़ार बना है अहमदाबाद, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो कनेक मतलब ये यहाँ पे जो है जितने भी इस बाज़ार मतलब ऐसा स्थान है जहाँ पे क्रेता और विक्रेता, ठीक है, वस्तुओं और जो है सेवाओं का जो है आदान प्रदान या लेन देन के सुविधाजनक बनाने के लिए जो है मिलते हैं, ठीक है। आपको जो है न ज़्यादा सामान महंगा मिलेगा, ना यहाँ पे जो है किफ़ायती मतलब जो है लोगों के हिसाब से जो है प्रोडक्ट यहाँ पे जो है बने, इसलिए सबसे किफ़ायती आवाज़ बाज़ार बना है आपका अहमदाबाद। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो है ये आपके जो है कौन से जो है स्टेट के अंतर्गत आती है। पांचों क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने पहली बार जीवित मानव अंगों के परिवहन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है। इसके द्वारा हाल ही में इस मंत्रालय के द्वारा पहली बार जीवित मानव अंगों के परिवहन के लिए जो है दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कहने का मतलब इसमें यही है, जितने भी जो है पहली बार है कि जो केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जितने भी जीवित मानव अंगों के परिवहन के लिए जो है प्रोटोकॉल यहाँ पे जारी किया गया, किसके तहत यहाँ पे जो है इसका मेन उद्देश्य देखो एक तरह का जो नियम जो प्रोटोकॉल इसको लागू किया जाए और जहाँ पे जो उपयोग के माध्यम से जो है मतलब आपको कोई भी जो है जैसे आपको जो है यहाँ पे जो है कि जितने भी जो
जो शरीर के जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, जिन लोगों को जो ज़रूरत है, जिन लोग दान करते हैं उसको जो है सही समय में उनको जो है पहुंचाया जाए। इसलिए वे जो है बहुत सारे प्रोटोकॉल यहाँ पे जो है शीघ्रता से जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे पहुंचाइए करके एक तरह का जो है प्रोटोकॉल यहाँ पे निकाली गई है। किसके द्वारा? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक तरह का प्रोटोकॉल यहाँ जारी किया गया है। छठा क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक मेटटेक सम्मेलन 2024 कहाँ सम्मेलन, ये जो सम्मेलन हुआ है शुरू हुआ है नई दिल्ली में, ठीक है। वैश्विक मेडटेक जो सम्मेलन है ये आपके नई दिल्ली में स्टार्ट। तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, ठीक है, ये जो इस सम्मेलन को इन्होंने संबोधित किया है। और इस सम्मेलन में खास करके स्वास्थ्य विज्ञान में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में जो है डेवलप किया जा करके यहाँ पे इसके लिए जो है बजट और यहाँ पे जो है इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे जो है बात किया गया, ठीक है। और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है भारत को, इस उद्देश्य पे जो है बात किया गया अलग अलग मुद्दों पे, ठीक है जी। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में SBI के, जिसको हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इसके हाल ही में जो नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो CS शेट्टी, याद रखिए CS जो शेट्टी, इनको फिर यहाँ के जो है चेयरमैन इनको नियुक्त किए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, ठीक है। पहले यहाँ के जो दिनेश कुमार खारा थे, लेकिन उनके जो कार्यकाल को एक साल के लिए आई थिंक बढ़ाया था कुछ दिनों के लिए, ठीक है। अब इनके जो परमानेंट जो है SBI के जो चेयरमैन जो है CS शेट्टी को बनाया गया। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये जो है नया नियुक्ति है, ठीक है। SBI आप सभी ज़्यादा जाने माने जो है भारतीय बैंक, ठीक, इसी जो है केंद्र सरकार ने जो CS शेट्टी को भारतीय स्टेट बैंक के जो है चेयरमैन इनको नियुक्त किया गया, इनका जो है 3 साल के लिए, ठीक है, 3 साल के लिए इनका कार्यकाल नियुक्त किया गया है। याद यहाँ पे बात करें 1955 में जो है SBI की स्टैब्लिश किया गया था, स्थापना किया गया था, ठीक है जी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है जी। इसको आपको याद रख, पहले दिनेश कुमार खारे यहाँ के जो है चेयरमैन थे, अब इनको नियुक्त किया गया है। आठवां क्वेश्चन चलिए देखते हैं, चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में जो पहलवान हमारे भारत को जो पहलवान है जिनका नाम है विनेश फोगाट, चर्चा पे बना हुआ है, ठीक है। इन्होंने हाल में घोषणा भी कर दिया गया संन्यास लेने की। तो हाल ही में जो पहलवान विनेश फोगाट जो है पेरिस ओलंपिक जो चल रही है, ठीक है, इसका जो लास्ट 11 अगस्त को इसका जो है फाइनल होना है, ठीक है। तो पेरिस ओलंपिक में कितने ग्राम वजन की, ठीक है, वजह से जो है बाहर हो गए हैं? तो ठीक है, मात्र जो है 100 ग्राम, ठीक है। तो पहलवान जो है हमारे जो भारतीय विनेश फोगाट, इनको जो है 100 ग्राम जो है एक्स्ट्रा वजन की वजह से इनको जो है पेरिस ओलंपिक जो चल रही है, ठीक है, फ्रांस में, तो ये 100 ग्राम वजन की वजह से इनको जो विनेश फोगाट को जो है पेरिस ओलंपिक के अयोग्य इनको जो है घोषित कर दिया गया। इसी वजह से यहाँ पे जो है इस तरह के जो मुद्दे बना हुए, इन्होंने जो है संन्यास लेने की भी इन्होंने घोषणा, पहले से जो वेट जो है चेक कर लिया था ऐसा करके बताया कि मतलब जो है मतलब उनका जो वेट है 49 ग्राम 90 जो है वजन था, लेकिन जो है जब वहाँ पे गए तो उनका वेट जो है 50 ग्राम यहाँ पे जो है कैटेगरी में आ गया था, ऐसा करके मुद्दा चल रही है, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे जो है संन्यास की भी घोषणा कर दी गई है। भारत की जो अक्षय ऊर्जा जो क्षमता है एक दशक में कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो भारत की जो अक्षय ऊर्जा जो क्षमता एक दशक में लगभग 165% की बढ़ोतरी देखने को मिला है, ठीक है जी। तो कहने का मतलब यही है, पिछले दशक में यहाँ पे जो है अभी देखेंगे रैंक तो लगभग यहाँ पे जो है 165% की वृद्धि हुई है, अच्छी बात भी। और इसकी जानकारी जो है खाद्य और जो सार्वजनिक और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा इन्होंने बताया है, ठीक है जी, कि 165% के जो है इस नवीकरणीय ऊर्जा में जो है अक्षय ऊर्जा विभाग के द्वारा जो है बढ़ोतरी देखने को मिली गई है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा, अक्षय ऊर्जा में जो है जितने भी आपका जो है सौर ऊर्जा वगैरह जो है सम्मिलित होते हैं, ठीक है, इसको बढ़ावा भी दिया जा रहा है ताकि जो इन्वायरमेंट जो है स्वच्छ रहे, ठीक है। हाल में किस देश ने जो स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया गया है? चाइना के द्वारा। तो चाइना इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो स्टारलिंक जो है मुकाबला करने के लिए जो है पहला उपग्रह समूह नेटवर्क किसने लॉन्च किया है? चाइना के द्वारा। तो स्टारलिंक जो है अमेरिका के जो है स्पेसएक्स जो एलन मस्क की कंपनी है, जो स्टारलिंक जो है, ठीक है, स्पेस कंपनी है, ठीक है, इसी के टक्कर में जो चाइना ने जो है एक उपग्रह जो है नेटवर्क लॉन्च किया है, चाइना इसी के टक्कर में इन्होंने लॉन्च किया गया, ठीक है जी, जिसमें स्पेस के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए इस तरह के यहाँ पे जो है चाइना के द्वारा ये नेटवर्क लॉन्च किया। खैर, चाइना से क्वेश्चन पूछा गया नहीं, ठीक है जी, बस याद रखना है इसी आपको। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने क्वालिफायर राउंड में कितने मीटर का थ्रो इन्होंने लगाया है? तो याद रखिएगा 89.34 जो मीटर है, ठीक है, 89.34 मीटर का जो इन्होंने जो है राउंड में इतने मत जो है मीटर का इन्होंने भाला फेंक में थ्रो फेंका है, ठीक है, पेरिस ओलंपिक में, ठीक है। नीरज चोपड़ा आप सभी जानते हैं, जाने माने जो है पेरिस भाला फेंक खिलाड़ी हमारे भारत के, ठीक है, तो इन्होंने इनको याद रखिएगा। तो इसी तरह इन्होंने कौन सा, इन्होंने जो है भारत के लिए सिल्वर मेडल, याद रखिए इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जो है अपने नाम किया है इस थ्रो के साथ, ठीक है, तो इसको आपको याद रखिएगा।
सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक जो है मंजूरी दी है? महाराष्ट्र के द्वारा। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है कारागार और सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है, ठीक है। हाल ही महाराष्ट्र सरकार के जो मंत्रिमंडल के द्वारा, ठीक, ये जो है अध्यादेश जारी किया गया है और ये जो विधेयक जो हाल में बजट सत्र में जो है किया गया है, इसके तहत यहाँ पे जो है कहने का मतलब ये है, जितने यहाँ पे जो है महाराष्ट्र में जेल वगैरह जो कारागार है इसको जो है सुधार करने के लिए जो है विधेयक पारित किया है, राष्ट्रपति को भी ये जो आवेदन वगैरह भेज दिया, ठीक है जी। तो इस तरह यहाँ पे जो कारागार और यहाँ पे जो सुधार सेवा है जेल विभाग में इसको जो है ये जो है सुधार करने के लिए जो है मंजूरी दी गई। महाराष्ट्र की बात कर, मुंबई इसकी राजधानी है और एकनाथ शिंदे यहाँ के अभी मुख्यमंत्री, ठीक है जी। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में किसे बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है? मोहम्मद यूनुस। याद रखिए बांग्लादेश के अंतरिम जो सरकार के रूप में मोहम्मद यूनुस को जो है नियुक्त किया, पहले जो है शेख हसीना थे, आप सभी के यहाँ पे जो है चर्चा बना हुआ है आरक्षण को लेकर, ठीक है जी। अब इनके अंतरिम सरकार के रूप में मोहम्मद यूनुस को जो है नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश की बात करूँ, ढाका इसकी राजधानी है, पहले शेख हसीना थे, अब इनके जगह इनको नियुक्त किया, विपक्ष की पार्टी है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में AIPA सलाहकार परिषद की 7वीं बैठक कहाँ हुई है? तो लाओस में। एक तरह ये जो बैठक है AIPA जो सलाहकार परिषद क्या चीज़ है, तो जितने भी खतरनाक जो मादक पदार्थ वगैरह यहाँ पे जो कोकीन वगैरह क्या क्या ड्रग्स वगैरह होती है, ये एक तरह के जो है ये परिषद है, उस पर जो है एक देश से दूसरे देश में निर्यात करती है, इस पर जो है नज़र रखती है और वहाँ पर जो है एक्शन लिया जाता है, ठीक है जी। तो ये जो है 7वीं बैठक है और लाओस में इसका जो है आयोजन के इस मुद्दों को जो है बात करने के लिए इसका लाओस में एक तरह का जो है 7वीं क्रम की बैठक है, ठीक है जी। अब मादक पदार्थ का जो समस्या है जो आजकल यहाँ पे देखें युवा जो है इस तरह यहाँ पे ज़्यादा बढ़ते हैं विदेशों में तो और ज़्यादा होता है, तो इस तरह के यहाँ पे जो है जितने भी खतरनाक मादक पदार्थों की समस्या को जो है निपटने के लिए जो है तलाश जारी करने के लिए जो है बैठक यहाँ पे लाओस में किया गया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा पोबी तोरा वन्य जीव अभयारण्य कौन से राज्य में है? तो ये आपका असम, ये आपके असम में स्थित है, ठीक है। पोबी तोरा जो वन्य जीव अभयारण्य है असम में स्थित है और ये जो ब्रह्मपुत्र जो नदी के दक्षिणी तट में जो आपका जो मेरी गांव जो है असम राज्य में जो मेरी गांव है यहाँ के इस जिले में आपका स्थित है ये जो अभयारण्य है, ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य है। और इसकी जो स्थापना है 1987 में स्थापना किया गया था, खास करके जो है गैंडे के लिए इनको जो है संरक्षित करने और आर्द्र भूमि के लिए इसको जो है जानी जाती है, खास करके इस अभयारण्य को बंद करने के लिए। और भूमि विवाद पे जो है बहुत सारे विवाद चल रहा था, इसीलिए जो है खबरों में रहा था असम में स्थित है, ठीक है, ये जो अभयारण्य है। असम की बात करूँ, दिसपुर इसकी राजधानी है और गुवाहाटी यहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी है, ठीक है। हेमंत बिस्व शर्मा यहाँ का भी BJP पार्टी के मुख्यमंत्री, ठीक है जी। तो चलिए आज के सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। PDF आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है जी, डाउनलोड करके रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।